शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहाय रहम वाला है तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह अला इज़्ज़त के लिए हैं अस्सलाम वालेकुम लसनर्स मैं हूं आप लोगों की होस्ट नुशीन और मैं अपने चैनल को अपना कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमिदीद कहती हूँ मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ होंगे खुश होंगे लसनर्स अगर कोई अंधेरी रात हो और उस अंधेरी रात में शदीद आंधी तूफान हो और उस आंधी तूफ़ान में अगर किसी इंसान का आमना सामना मरे मखलूक या जन्नत से हो जाए तो उसकी उस वक्त क्या हालत होगी और क्या कंडीशन होगी क्या एक आम इंसान पहली नज़र में मरे मखलूक को पहचान सकता है अगर वो किसी इंसानी रूप में हो इसी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा दिल दहरा देने वाली खौफनाक कहानी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी हैदर शेयर कर रहे हैं मुल्तान से हैदर कहते हैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे खुद के साथ मेरी अपनी आप बीती है आज से तीन साढ़े तीन साल की बात है मेरी खाला फैसलाबाद में रहती हैं मैं अपने एग्जाम से फ्री हुआ था तो अक्सर जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो मैं ख़ाला के घर चला जाया करता था मेरा कज़न मेरा एज फेलो था उसका नेम एहतम था और हम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे मुझे उसने कहा कि तुम्हारे पेपर्स ख़त्म हो गए तुम आ जाओ कभी वो आ जाता था कभी मैं चला जाता था मैंने उससे कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ उन दिनों में उन लोगों ने अपना घर चेंज किया था वो पहले एक और घर में रेंट पर रहते थे फिर वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए अब वो जो घर उन लोगों ने लिया था वो उसी मोहल्ले में था बस एक दो गलियों का डिफरेंस था उसने मुझे समझा दिया मैं बचपन से वहाँ से जाता था मुझे भी उन जगहों का कुछ आइडिया था लेकिन ये जो जगह उसने मुझे बताई थी जहाँ पर अब उन लोगों ने घर लिया था वो थोड़ा सा उससे अपोज़िट था मोहल्ला वही था सिर्फ गलियों का डिफरेंस था यानी आगे पीछे गलियाँ थी मैंने उससे कहा कि मैं वहाँ पर पहुँच कर कर मुझे समझ ना आई तो मैं तुमसे पूछ लूँगा उसने कहा कि ठीक है मैं वहाँ से निकल पड़ा सर्दियों का मौसम था अब जिस बस से मैं आ रहा था रास्ते में वो बस ख़राब हो गई दो तीन घंटे मेरे वहाँ पर वेस्ट हो गए पता नहीं बस में क्या ख़राबी थी एक ऐसी लोकेशन पर एक ऐसी जगह पर बस ख़राब हुई कि वहाँ पर कोई और सवारी भी नहीं थी कोई और इस तरह की ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी कि वो उसको एक्सचेंज कर देते क्योंकि जितनी भी वहाँ से उस रोड से ट्रैफिक गुजर ली थी आलमोस्ट सारी ही वो फुल थी और उन उस दिन मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था एक तो सर्दी थी ऊपर से बादल और आंधी तूफान का भी मौसम बना हुआ था बिल आखिर तकरीबन साढ़े ग्यारह बजे के करीब मैं फैसलाबाद पहुंच गया मैंने वहाँ से एक ऑटो करवाया ऑटो के ज़रिए मैं उस महल्ले में पहुंचा अब वहाँ पर उनका जो महल्ला था जहाँ पर जहाँ से उनका महला शुरू होता था वो गलियाँ कुछ तंग थी मौसम भी बहुत सा ख़राब था तो मैंने उस ऑटो वाले से कहा कि मुझे यहीं पर उतार दो मैं आगे चला जाऊँगा अब जब जैसे ही मैंने उस ऑटो वाले को भेजा मैंने सोचा मैं अपने कज़न को कॉल करता हूँ फिर मैंने सोचा रात काफ़ी हो गई है सर्दी भी है तो मैं चला जाता हूँ मुझे घर ना मिला तो मैं इसको कॉल कर लूँगा मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी थी इतनी लो थी कि वो डेड होगी दो से तीन दफ़ा मैंने मोबाइल भी ऑन किया वो ऑन नहीं हो रहा था सारे रास्ते में जब वहाँ पर गाड़ी ख़राब हुई तो वहाँ पर भी मैं बैठ कर मोबाइल यूज़ करता रहा उस वक्त तक भी मैं लोगों के साथ इन टच था जैसे ही मैं वहाँ पर उतरा तो बहुत शदीद मौसम ख़राब हो चुका था बहुत तेज़ आंधी और तेज़ हवा शुरू हो चुकी थी ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी बहुत मट्टी और इस तरह का तूफ़ान शुरू हो गया उस महल्ले में मैं दाखिल हो गया जहाँ पर उन लोगों का पहला घर था मैं वहाँ तक भी पहुँच गया अब उनके पहले घर से मुझे मेरे कज़न ने बताया था उनके पहले घर से बिल्कुल सामने एक सीधी गली थी उस गली में जाकर लेफ़्ट साइड पर टर्न करना था तो फिर वहाँ पर उन लोगों ने वो घर लिया था शायद लेफ़्ट लेफ़्ट साइड पर टर्न करके एक और गली थी जिसमें वो लोग रहते थे इतना है कि उसने मुझे बताया था उनके उस घर तक पहुँच मैं बिल्कुल वो सीधी जो उसने मुझे गली बताई थी मैंने उसको क्रॉस किया वो गली काफ़ी ज़्यादा लंबी थी दूर दूर तक कोई भी नहीं था एक तो आंधी तूफ़ान ऊपर से सर्दी मैं एक वाद अकेला इंसान हो सकता और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा गहरी रात है अंधेरी रात है कि मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा गलती से भी कोई नज़र नहीं आ रहा था मैं जब उस गली में चलने लगा अब जब वो गली ख़त्म हुई तो वहाँ पर थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन होने लगी वहाँ पर अब दो गलियाँ थी दोनों लेफ़्ट साइड पर टर्न करी थी और एक गली में इस तरह से बना हुआ था जैसे एक गली में आप इंटर होते हैं तो एक राइट साइड पर जा रही होती है एक लेफ़्ट साइड पर और एक बिल्कुल सामने वहाँ पर आकर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने किस तरफ टर्न टर्न होना है वहाँ पर मुझे ये था कि मैं अपने कज़न को कॉल कर लेता तो शायद वो मुझे बाहर आकर रिसीव कर लेता मोबाइल मेरा बंद हो चुका था ऊपर से मौसम इतना सा खराब था मैं पहले जैसे उसने मुझे लेफ़्ट साइड वाली गली बताई थी उसमें गया वो गली बंद थी वहाँ पर कोई घर ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ क्योंकि अगर बंद गली होती तो वो मुझे निशानी बता देता मैं फिर वहाँ से बाहर निकल आया उससे अगली गली में गया तो वहाँ से वो गली दो साइडों से खुली हुई थी अब वो दोनों साइडों जो थी वो दोनों साइडें गली की काफ़ी ज़्यादा लंबी थी लेफ़्ट साइड पर भी मैं चलता गया चलता गया मौसम हद से ज़्यादा ख़राब हो गया तो मैंने क्या देखा उस गली में से कोई चलता हुआ आ रहा था थोड़ा सा मेरे दिल को देख कर एक आसरा सा हुआ कि सामने से कोई चलता हुआ आ रहा है चलो मैं इनसे पूछ लेता हूँ चाल ढाल से ऐसे लग रहा था कोई औरत है थोड़ी सी मैं हैरान भी हुई मुझे मैं सरप्राइज हुआ इतने तूफ़ानी मौसम में रात बारह सवा बारह बजे का टाइम हो गया था मुझे घर ढूंढते ढूंढते ये औरत कौन हो सकती है फिर मुझे लगा शायद कोई काम होगा किसी काम के सिलसिले में कोई बाहर निकला होगा अच्छी खासी उस औरत की हाइट थी वो चलती हुई आ रही थी नॉर्मल लिबास पहना हुआ था शायद कोई डार्क से कलर का लिबास था जैसे वो औरत चलती आ रही थी तो आ, मैं रुक गया कि अब ये मेरे पास से गुजरेगी तो मैं इससे पूछ लूँगा वो मेरे पास आने के बजाय गली के कोने पर बैठ गई अब मुझे थोड़ा सा तजुब हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतने तूफ़ान में ही औरत बाहर क्यों बैठ गई है अब मैं डरता डरता उसके करीब गया कि कहीं ये ना समझ ले कि मैं क्यों इतनी रात को इस औरत को बुला रहा हूँ या क्यों बात करने की कोशिश की मैंने डरते डरते सलाम किया मैंने पूछा कि यहाँ पर इब्राहिम इब्राहिम साहब है उनके घर जाना है मुझे मेरे खालू का नाम इब्राहिम था शाम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं पहले इस गली में रहते थे मैंने कुछ रेफ़रेंस दिया ना कि वो जानती होंगी अभी कुछ दिन ही हुए हैं उन लोगों को शिफ्ट हुए उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि वो जो औरत थी अजीब वरीब तरह से सांस ले रही थी उसका सांस ऐसे था जैसे कोई बहुत भारी आवाज़ होती है यानी इंसान का सांस ही नहीं लग रहा था जैसे किसी को जानवर भारी आवाज़ में घुराता है या सांस लेता है ऐसे वो सांस ले रही थी सर बिल्कुल उसने नीचे किया हुआ था मैंने फिर पूछा कि प्लीज़ मुझे रास्ता बता दें फला फल घर जाना है मैंने फिर भी उसको कोई वो टच से मस्या नहीं हुई मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि शायद कहीं बहरी ना हो अब ये मुनासिब नहीं था कि मैं उनको दोबारा तंग करता एकदम से जब मैं पीछे पलटा तो वो औरत खड़ी हुई और ऐसा लगा जैसे उसने मुझे बुलाया है जब मुझे उसकी आवाज़ आई एक तो शोर था ऊपर से आंधी और इतनी मट्टी भी थी बादलों की आवाज़ भी आ रही थी बहुत अजीब वो उस टाइम वो मंज़र था तो जब मैं खड़ा मैं पीछे पलट कर देखा तो वो औरत खड़ी हुई थी उसने मुझे इशारा किया मुंह से नहीं बोली हाथ से इशारा किया कि ये गली है यानी लेफ्ट साइड का ही उसने मुझे इशारा किया मुझे लगा कि शायद कोई बीमार होंगी तो इसलिए नहीं बोल रही होंगी मैं उस गली में चलने लग गया अब जब मैं उस गली में चलने लग गया वो औरत मेरे पीछे पीछे आने लग गई यहाँ पर आकर मैं थोड़ा सा डर गया मेरे कज़न ने मुझे ये बताया था कि लेफ़्ट साइड पर जब तुम टर्न करोगे तो तकरीबन पांचवा छठा घर हमारा होगा अब मैं घर देखता गया जैसे ही पाँचवा छठा घर आया तो वो किसी घर की बैक साइड थी एक दो घर ऐसे थे उस गली में जिनका फ्रंट था बाकी घरों की बैक साइड थी अब वहाँ पर फिर प्रॉब्लम बन गई रात का टाइम था मैं कैसे किसी का दरवाज़ा खटखटा था वो औरत बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी होगी अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मैंने उससे पूछा कि आप इधर ही रहती हैं मेरे पीछे जो आकर खड़ी होगी मुझे अजीब सा ना डर सा लगने लग गया उस औरत से अजीब तरह की स्मेल भी आ रही थी स्मेल इस सेंस में मैं कहूँगा जैसे बहुत तेज़ कोई खुशबू होती है बहुत तेज़ जैसे कोई अतर किसी ने लगाया होता है तो इस तरह की खुशबू होती है मेरा सर चकराने लग गया थोड़ा सा मैं इस तर, इस लिहाज से भी डर गया कि जैसे अक्सर लोगों को किडनैप कर लेते हैं तो वो जो गैंग होते हैं और मैं बाज़ा खातन भी शामिल होती हैं तो मैं थोड़ा सा पीछे हट खड़ा हो गया मैंने ये कहा कि क्या बात है आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं मैंने यही पूछा कि यहाँ पर तो मुझे कोई घर ख़ास नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल एक घर राइट right साइड पर एक घर था मैंने जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया मैंने इतना दरवाज़ा खटखटाया किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला अब जहाँ जहाँ मैं जा रहा था वो औरत मेरे पीछे पीछे आ रही थी उस एक गली में तकरीबन तीन घर थे तीनों घरों के मैंने दरवाजे खटखटाए कोई दरवाज़ा ही नहीं था खोल रहा मेरी हालत गैर हो रही थी वो औरत तो मेरे पीछे ही लगी मैंने वापस उसी तरफ जाना शुरू कर दिया तेज़ कदमों के साथ जिस तरफ उस औरत ने मुझे इशारा करके बताया था मैं बिल्कुल उस कॉर्नर पर आ गया जहाँ से वो दो गलियाँ लगती थी वो औरत मेरी जान छोड़ ही नहीं रही थी मेरे पीछे लग गई और अजीबोगरीब गरीब आवाज़ें निकाल रही थी पहले जब वो चल रही थी तो कोई मुझे पायल की आवाज़ नहीं आई लेकिन जब वो बिल्कुल मेरे पीछे लग गई और उसने चलना शुरू किया तो वो अजीबो गरीब अंदाज़ में हंस रही थी और पायलों की आवाज़ आ रही थी अब मेरे दिल में शदीद डर बैठ गया कि पता नहीं मैं किस तरफ़ आ गया हूँ ये कौन सी जगह है यहाँ तो वो घर ही नहीं है अजीब गरीब वो गली थी मैंने वापस उस तरफ जाना शुरू कर दिया जिस तरफ उन लोगों का पहले घर था अब फिर वो मेरे पीछे पीछे और वो इतना तेज़ चल रही थी कि मैं मैंने भागना शुरू किया और वो चल रही थी इसके बावजूद वो बिल्कुल मेरे साथ हो जाती थी जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा अभी वो बिल्कुल मुझे अपने साथ करीब आती जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी इतनी लंबी वो गली थी वो कहाँ गई मुझे नहीं पता उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया मुझे यकीन हो गया कि ये कोई औरत नहीं कोई गैर गैरमरी मखलूक़ात थी जैसे ही वो गायब हुई मैंने तेज़ी से उस तरफ़ जाना शुरू कर दिया जिस तरफ उन लोगों का पहला घर था अब मैं तेज़ तेज कदमों से चल रहा था अभी भी मौसम बहुत सा ख़राब था बारिश शुरू हो गई लेकिन बारिश अभी हल्की थी अभी जब मैंने एक से दो दफ़ा पीछे पलट कर देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था जैसे मैं उन लोगों के घर के पास पहुँचा मुझे अपनी बैक साइड से बिल्ली के बोलने की आवाज़ आने लगी इतनी अंधेरी रात बारिश तूफ़ान में पहले मुझे कोई उस गली में जानवर तक भी नज़र नहीं आया था जैसे मैंने देखा बिल्कुल मेरे पाँव के पास एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई थी उसकी येलो कलर की आइज़ थी इतनी ड्रावनी बिल्ली थी वो कि मैंने जिंदगी में इतनी ड्राउवनी बिल्ली नहीं देखी मेरी चीख निकल गई उसे देख अब मुझे मेरी हालत बहुत ज़्यादा उस टाइम ख़राब थी मैंने सोचा कि टाइम जब मैंने देखा तकरीबन साढ़े बारह पौने एक बजे का टाइम हो चुका था मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं नहीं था मोबाइल मेरा बंद हो चुका था मैंने फिर जिस घर में वो लोग रहते थे उस घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया काफ़ी ज़्यादा मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया तब जाकर उन लोगों ने भी डरते डरते दरवाज़ा खोला जब देखा कि मैं कोई मुसाफिर हूँ मैंने सारी बात बताई खालू का रेफरेंस दिया अपने कज़न के बारे में बताया तो वो लोग पहचान गए वो लोग भी वहाँ पर नए शिफ्ट हुए थे वो भी कोई पेइंग गेस्ट ही थे उन लोगों से मैंने पूछा कि प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प कर दें कि मुझे कॉल करवा दें क्योंकि उन लोगों को भी उन लोगों के घर का नहीं पता था कि वो लोग कहाँ पर शिफ्ट हुए हैं मैंने फिर उनके मोबाइल नंबर से अपने कज़न को कॉल की उसको सारी बात बताई कि तुम्हारे पुराने घर पर मैं खड़ा हूँ और बहुत मुसीबत में हूँ जल्दी आओ तकरीबन दस मिनट के बाद मेरा कज़न बाइक लेकर आया बारिश हो रही थी उस वक्त मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मैंने उसे कहा कि जितनी जल्दी होता है मुझे अपने साथ लेकर चलो जैसे मेरे कज़न ने मुझे बाइक पर बिठाया सेम उसी गली के पास से हम लोग गुजरे जिस गली में वो औरत मुझे लेकर गई थी उस गली में उनका घर नहीं था उस गली से दो गलियाँ पहले उनका घर था जब मैं वहाँ पर पहुंचा मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उस गली की तरफ़ देखा भी नहीं जा रहा था मेरे से मैंने उन लोगों को आकर सारी बात बताई कि मेरे साथ तकरीबन पिछले आधे घंटे से ये सब कुछ हो रहा है उन लोगों ने यह बताया कि हम लोगों को अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए तकरीबन दस एक दिन ही हुए जैसे ही आधी रात का टाइम होता है उस गली में से किसी के रोने की आवाज़ें आने लग जाती हैं उस गली में डर के मारे कोई चौकीदार भी नहीं जाता लोगों का ये मानना है कि उस गली में बहुत ज़्यादा जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है वहाँ पर दो से तीन घर हैं और वो दो से तीन घर पता नहीं कितने सालों से बंद पड़े हैं वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता फिर मुझे ख्याल आया कि मैं उन घरों के बार बार दरवाजे खटखटा रहा था शायद इसीलिए किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला मैं उन्होंने खुद बताया कि मैंने उस औरत को देखा मैंने उसका चेहरा नहीं देखा लेकिन जिस तरह से वो मेरे पीछे लग गई थी फिर वो काली बिल्ली का देखना मुझे बहुत सा बुखार भी हो गया था खौफ के मारे ये शायद मैंने भी सुना हुआ था कि अगर जन्त कभी इंसान के, के आ, आमना सामना जन्ात और इंसान का हो जाए तो इंसान को बुखार हो जाता है ठंड भी थी फिर इतनी देर से मैं वहाँ पर पैदल चल चल के सारा दिन के सफ़र कर कर के मेरी हालत बहुत ख़राब थी दो दिन मुझे बहुत सा बुखार आ दो दिन के बाद जब मैं स्टेबल हुआ तो उसके बाद मैं और मेरा कज़न डे टाइम हम लोग वहाँ से गुजरे हम लोगों ने वो गली देखी मैंने उसको वो सारी गली बताई कि मैं उस गली के एंड तक गया था काफ़ी अच्छी खासी वो भी गली लंबी थी और वो गली एंड से बंद थी कुछ लोगों का ये माना था उस गली की दूसरी साइड पर एक कब्रिस्तान था जो कि बहुत ही कदीम और पुराना कब्रिस्तान था उस कब्रिस्तान की वजह से वो सारी गलियाँ सेब ज़्यादा थी क्योंकि वो गली और कब्रिस्तान बिल्कुल साथ साथ थे जिस तरफ मेरे कज़न का घर था बैक उनकी बैक साइड पर घर थे उस उनकी बैक साइड के साथ वो कब्रिस्तान नहीं लगता था क्योंकि वो कब्रिस्तान एक चार दीवारी पर मुहित था और उस चार दीवारी में वो कब्रिस्तान था उस कब्रिस्तान की वजह से वो पूरी जो गली थी वो आसेव सदा हो चुकी थी अगर मैं उस वक्त वापस ना जाता तो शायद पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता आज भी जब मुझे वो रात याद आती है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ उसके बाद कभी भी मैंने इस तरह से नाइट में सफ़र नहीं किया अभी कभी अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो मैं डे टाइम ही जाता हूँ ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया हैदर आपका बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी ये खौफनाक कहानी आरिफ शेयर कर रहे हैं हैदराबाद से। आरिफ कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ आज से सात साल पहले की बात है मैंने और मेरे एक दोस्त ने हम लोगों ने मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया हम लोगों ने एक जगह देखी तकरीबन तीन से चार कमरों पर वो एक बिल्डिंग थी वहाँ पर पहले भी उसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूज़ किया जाता था लेकिन अब वो जगह कुछ अरसे से खाली थी तो हम जगह हम लोगों ने उस जगह को रेंट आउट हम लोगों ने इस जगह पर इस जगह को रेंट पर लिया और उसके बाद वहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा कारखाना शुरू किया उस फैक्ट्री में हम लोग ये शॉपिंग बैग्स जो बनते थे वो हम लोगों ने वहाँ पर शुरू करना था सारा सर्वे करके हम लोगों ने ये काम शुरू किया था अब जब हम लोगों ने वहाँ पर काम स्टार्ट किया तो हम लोगों ने वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा हॉल रूम था वहाँ पर हम लोगों ने वो मशीनरी वगैरह रखवाई जिन पर सारा काम वगैरह होता है पहले तो तकरीबन दस पंद्रह दिन काम बिल्कुल ठीक रहा वर्कर्स भी हम लोगों ने रख लिए लेबर भी थी बहुत अच्छा काम जा रहा था तकरीबन दस पंद्रह दिन के बाद नई मशीनें हम लोगों ने जो लगवाई थी वो ख़राब हो गई जो जिस जगह पर हम लोगों ने उनको इंस्टॉल करवाया हुआ था उस सारी मशीनें ख़राब हो गई उनको दो से तीन दफ़ा रिपेयर भी करवाया लेकिन वो चलती चलती मशीनें ख़राब हो जाती थी फिर हम लोगों ने उन मशीन्स को रिमूव करवाया फिर नई वहाँ पर लगवाई सेम उनके साथ भी ऐसा ही हुआ दस पंद्रह दिन के बाद वो भी ख़राब हो गई अब हम लोगों को स्टार्टिंग में ही एकदम से इतना लॉस होना शुरू हो गया हम लोगों ने यही समझा कि इस जगह पर हम लोग मशीनरी को नहीं लगवाते हम लोग इसका पॉइंट चेंज कर देते हैं हम लोगों ने जब उस जगह से वो मशीन्स उतरवा कर उनको रिपेयर करवा कर एक नई जगह पर लगवाई उसी फैक्ट्री में उसी जगह पर वहाँ पर मशीनें तो काम ठीक कर रही थी लेकिन जिस जगह से हम लोगों ने उनको हट पाया था वहाँ पर अजीबोगरीब व वाक़ तो होना शुरू हो गए वो जो कारखाना था वहाँ पर हम लोगों ने बकायदा एक दो वॉचमैन रखे हुए थे एक डे टाइम ड्यूटी देता था, था और एक नाइट में जो नाइट वॉचमैन था वो ये कहता था कि जब रात को सब चले जाते हैं तो उसके बाद मुझे कारखाने के अंदर से इस तरह से आवाज़ें आती हैं जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है मुझे बकायदा वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो इस तरह से कोई चलता है जिस तरह से कोई पाँव घसीट कर चलता है और जब मैं आवाज़ देता हूँ पूछने की कोशिश करता हूँ तो मुझे नज़र कोई भी नहीं आता दो से तीन दफ़ा किसी ने उन बंद कमरों के दरवाजे भी खटखटाए हैं और खोलने की भी कोशिश की है हमें लगा कि शायद कहीं इसका वहम ना हो क्योंकि वहाँ पर साथ साथ और भी ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों के बिज़नेस थे शॉप्स थी कुछ तो हम लोग उसको ये कह देते दे थे शायद वहाँ से आवाज़ें आती हों लेकिन वो बार बार यही शिकायत करता था कि जैसे ही रात होती है मुझे यहाँ से आवाज़ें आती हैं और उस कमरे से बहुत ज़्यादा आवाजें आती हैं जिस कमरे में पहले मशीनें होती थी अभी आ, मैंने उसको समझाया कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है डरने की ज़रूरत नहीं है जब तुम ज़्यादा कुछ ऐसा महसूस करो तो तुम जाकर देख लिया करो हम लोगों ने उसको वहाँ पर रखने के लिए एक पिस्टल भी ले दिया कि अगर तुम्हें ज़्यादा डर लगे तो तुम्हारे पास कोई असला भी होना चाहिए वेपन होना चाहिए एक रात की बात है आधी रात का टाइम हुआ तकरीबन साढ़े तीन बजे तो मुझे उसी वॉचमैन का फ़ोन आया मेरे पार्टनर को भी उसने कॉल की और मुझे भी मैंने अटेंड कर ली तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और बार बार ये कह रहा था कि मुझे आकर बचा लें जब हम लोगों ने उसकी ये बातें सुनी हम लोग बहुत डर गए मैंने अपने पार्टनर को कॉल की उसने भी मेरी कॉल अटेंड कर ली जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हम लोग बार बार उस कारखाने का दरवाज़ा खटखटा रहे थे लेकिन वो खोल नहीं रहा था तकरीबन तो 10-15 मिनट हम लोग दरवाजे को खटखटाते रहे तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया वॉचमैन मैन वहाँ पर मौजूद नहीं था हमें समझ ही नहीं आई कि ये दरवाज़ा किसने खोला है जब अंदर जाकर देखा तो वॉचमैन का कहीं भी पता नहीं था सारे कारखाने की जा के हम लोगों ने लाइट्स ऑन की जिस कमरे से उसको ज़्यादा शिकायत थी जब उस कमरे का दरवाज़ा हम लोगों ने बाहर से खोला तो वो अंदर बेहोश था वो एक वो ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ था उसको हम लोगों ने उठाया वो बेहोश था हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि इसका कोई जानी नुकसान नहीं अब ये हम लोगों को वहम हो रहा था कि इसको कमरे में बंद करके दरवाज़ा किसने बंद किया और बाहर से आकर दरवाज़ा किसने खोला पूरे कारखाने का हम लोगों ने चप्पा चप्पा छान मारा हमें कहीं कोई नज़र नहीं आया उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ के निशान भी थे बाकायदा फिंगरप्रंट्स थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सब बुखार में मुब्तला है हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर गए वहाँ पर उसको फ़र्स्ट एड दी गई मेडिसन्स दी गई सुबह जाकर कहीं सात बजे के करीब उसको होश आया तो वो बहुत डरा हुआ था और चीख रहा था हम लोग उसके पास थे उसको सारी उसको हौसला दिया और पूछा कि हमें सारी बात बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है उसने ये कहा कि रात तकरीबन डेढ़ बजे का टाइम था मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे कारखाने में बकायदा कोई चल फिर रहा है आज चल फिलने बल्कि बकायदा कोई भाग दौड़ रहा था जब मैं उसके तकब में गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जहाँ पर पहले मशीनरी थी उस कमरे में कोई मौजूद है दो से तीन दफ़ा उस कमरे का दरवाज़ा बार बार कोई खोलता और बंद करता था जैसे मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रोमले चेहरे वाली कुछ मखलूक देखी वो एक से ज़्यादा थी उनके चेहरे बहुत ज़्यादा ड्रामले थे ऐसा लग रहा था कि शायद उनमें से कोई एक मर्द था और एक, कोई एक औरत थी बहुत अजीबोगरीब गरीब ज़ुबान में वो बोल रहे थे और उन लोगों ने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे बकायदा उन लोगों ने हवा में उठा कर उस कारखाने का जो छत था उसके साथ लगा दिया मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया वो बार बार ये कह रहा था कि मुझे वहाँ पर दोबारा नहीं जाना अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए मशीनरी के साथ भी ऐसे मामला हो रहे थे फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि वहाँ पर किसी आमिल को लेकर जाते हैं वो जाकर एक दफ़ा वहाँ का विज़िट करें तो जब हम लोग वहाँ पर एक आमिल साहब को लेकर गए बकायदा उन्होंने उस पूरे कारखाने का विज़िट किया तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जिन्नात जादू के अमल के ज़रिए भेजे गए हैं पहले भी यहाँ पर बहुत से लोगों ने कोशिश की थी कारोबार करने की लेकिन उनके साथ भी यही मामला होते थे फिर ये जगह बिल्कुल बंद हो गई इसीलिए हम लोगों को कम रेंट पर वो जगह वो पूरी बिल्डिंग मिल गई थी अब हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम लोग वहाँ पर कारोबार कर सकें काम कर सकें तावीज़ भी लेकर लगवाए उस कमरे को मुकम्मल बंद कर दिया दिन के टाइम भी उसमें किसी की मौजूदगी का एहसास रहता था लेकिन वक्त के साथ साथ हम लोगों को आ, बहुत ज़्यादा नुकसान होने शुरू हो गए हम लोगों के साथ वहाँ पर अजीब वरीब वाक़ लेबर के साथ होने लगे हम लोगों के साथ होने लगे तो हम लोगों ने तंग आकर छः माह के बाद उस जगह को छोड़ दिया उन जिन्नात ने वहाँ पर हम लोगों का जीना बिल्कुल मुहाल कर दिया था बकायदा ऐसा महसूस होता था कि वहाँ पर वो आवाज़ें देते हैं एक दूसरे की आवाज़ों में जो वर्कर्स वहाँ पर काम करते थे उनको एक दूसरे की आवाज़ों में एक दूसरे के नाम सुनाई देते थे दो से तीन दफ़ा मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे भी कोई पुकार रहा है लेकिन जब मैं जाकर देखता था तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था वो जो वॉचमैन था वो तो उसके बाद वहाँ पर गया ही नहीं उसने वो काम ही छोड़ दिया नाइट के नाइट ड्यूटी में फिर कोई वॉचमैन नहीं होता था सिर्फ डे टाइम जब 10 बजे तक हम लोग उस जगह को ओपन रखते थे तो तब तक वहाँ वॉचमैन रहता था उसके बाद वो उस जगह बंद कर दी जाती थी लेकिन छः माह के बाद हम लोगों ने उस जगह को बिल्कुल ख़त्म कर दिया हम लोगों ने किसी और जगह पर अपना जो कारखाना और वो सारी जो हम लोगों की मशीनरी थी इसको शिफ्ट कर लिया लेकिन वो जो छः माह थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे आए दिन किसी लेबर के साथ किसी वर्कर के साथ अजीब हो जाते थे कोई ऐसा लगता था कि पास आकर खड़ा है कोई ऐसा लगता था पीछे से गुजर गया है कभी चीज़ें रखते कहीं और से थी मिलती कहीं और से थी यही नहीं स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई थी ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी थी जिसे हम लोग कभी भी फरामोश नहीं कर सकते और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग किसी भी जगह को किसी भी पर्पस के लिए ख़रीदें या रेंट पर लें तो पहले उसका जायज़ा ले लेना चाहिए उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री चेक कर लेनी चाहिए कि अगर वो जगह इतने अरसे से ख़ाली है तो क्यों खाली है और अगर एक कमर्शल पॉइंट पर आपको कोई जगह मिल रही है सस्ते दामों में मिल रही है मार्केट प्राइस से कम मिल रही है तो आखिर उसके पीछे क्या बचा है चंद पैसे बचाने के लिए बाजूकात इंसान अपना बहुत नुकसान कर लेता है ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया आरिफ आपका दिस ये थी आज की खौफनाक कहानी है अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ई मेल आई डी नशीनवीर फिफ्टी सेवन एट जी मेल डॉट कॉम पर इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हॉरर उर्दू सेंटर पर मैंने बदरू नावल की आज सिक्स एपिसोड ऑन एयर की है उसको जाकर जरूर विजिट करें आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जिन लोगों ने अभी तक हॉर उर्दू सेंटर मेरे सेकंड हॉरर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब ब्राउज़र में जाकर हॉर उर्दू सेंटर लिखकर सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा नशीन वॉइस ऑफिशियर पर मैं शॉर्ट्स बीटा पोस्ट करती हूँ और कल इनशाला एक व्लाग भी पोस्ट करूँगी उसको भी जाकर विज़िट करें उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है उनको भी जाकर सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें नीलम वॉइस ऑफिशियर मेरी सिस्टर का चैनल है उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे ब्लेस्ट अल्लाह निकबान